बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप भी 90s या फिर थोड़े से अगर ओल्ड समय में चलते हैं तो आपको याद होगा क्या, मैं बताती हूँ ना आपको, शक्तिमान। जी हाँ, आपको शक्तिमान जरूर याद होगा। शक्तिमान काफी ज्यादा पहले की ऐसी मूवीज की गिनती में आती है जिसमें एक सुपर हीरो होता है। बाकी क्रिश, ए फ्लाइंग जेड, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये बाद में आए हैं। अब शक्तिमान का एक नया वर्जन आने वाला है। इसके लिए, इसकी मेन कास्ट के लिए लोगों को हायर किया जा रहा है और इसकी तलाश एक बेहतरीन एक्टर के लिए, लीड रोल के लिए। तो इसमें मैं आपको आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे लोग किस टाइप के एक्टर की रिक्वायरमेंट है और इसे कैसे फुलफिल किया जाने वाला है। तो देखिए, शक्तिमान का पहले ही कहा जा रहा था शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए कि रणवीर सिंह इसमें 99% फिट है और उन्हें हायर किया गया है। लेकिन एट द लास्ट में क्या हुआ था कि उन्हें कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो शक्तिमान के लीड में, मतलब जिनकी पास शक्तिमान की पूरी पावर है, यानी कि शक्तिमान मूवी का पूरा कास्ट है, वो है मुकेश खन्ना, और उन्होंने रणवीर सिंह को इस मूवी के लिए रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि शक्तिमान में अगर किसी को एक्टिंग करनी है या फिर लीड रोल में आना है तो उसके लिए क्या बड़ी चुनौतियां हैं या फिर क्या बड़ी बातें हैं या फिर क्या फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखकर एक्टर को एक कास्ट किया जाएगा या फिर उसे अपनी फिल्म में वो शामिल करेंगे। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। नंबर वन पे जो सबसे बड़ी बात है ये है कि जो शक्तिमान है ये पैन इंडिया फॉलोइंग, जी हाँ, ये पैन इंडिया फॉलोइंग बनेगी, मतलब कि ये बड़े लेवल पे मूवी बनेगी। इसके लिए ऐसा एक एक्टर चाहिए जो सबको खुश कर सके, जो कोई कंट्रोवर्सी में ना हो और साथ ही वो सबका फेवरेट हो, जिसके कारण लोग अट्रैक्ट हो और इस मूवी को देखें। तो जाहिर सी बात है इसमें एक ऐसे एक्टर की जरूरत है जो सारी जगह फेमस हो, इनफैक्ट इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। इसी के साथ जो इनकी दूसरी एक शर्त है या फिर दूसरा रीजन है वो ये है कि जो भी इसमें एक्टर होगा या फिर जो लीड रोल में होगा उसकी कोई भी उससे रिलेटेड नेगेटिविटी ना हो, कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी ना हो, जो कि रणवीर सिंह के साथ कई बार है उनके हालिया एक सेक्सुअल प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। जी हाँ, उनको इसके साथ उनका नाम जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसमें रणवीर सिंह तो बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। तो ये इनकी सेकेंड वो है। क्यों? क्योंकि जो ये मूवी है ये पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है, तो इससे क्या होगा कि कहीं अगर कंट्रोवर्सी होगी तो मूवी के जो टीआरपी है उसके कलेक्शन में इफेक्ट आएगा। इसी के साथ अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात ये हम करेंगे कि जो एक्टर है उसकी आइडियोलॉजी सबसे मिलती हो, ये नहीं कि उसके विपक्ष में या फिर उसके अगेंस्ट लोग हों, ये भी एक बड़ी बात है और इसे भी ध्यान में दिया जाएगा। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है नंबर फोर पे जो आएगा उसमें ये है कि एक्टिंग, जो एक्टर है वो उस रोल के लिए भी सूट करना चाहिए, उस एक्टर की एक्टिंग में इतना दम हो कि वो गंगाधर से शक्तिमान के रोल में फिट हो जाए। उसमें एक पावर होना चाहिए, एक इंप्रेशन होना चाहिए, वो शक्तिमान के लुक में फिट बैठना चाहिए। एक ऐसे एक्टर की भी इस मूवी के डायरेक्शन को या फिर इसकी टीम को रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा, हमने ये तो बात कर ली कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, अब ये बात हम करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से एक्टर्स जो है, पांच एक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जो इसमें फिट बैठती हैं। तो देखिए, नंबर वन पे अगर हम बात करें तो इसमें ऋतिक रोशन, जी हाँ, अगर शक्तिमान का रोल ऋतिक रोशन को मिलता है तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो एक पर्सनालिटी है, इमेज है, वो एक सुपरमैन के रूप में लोगों को पता है, जैसे उनकी क्रिश मूवी है। तो ये अगर इनको रोल ऑफर होता है ऋतिक रोशन को तो ये 100% सक्सेस होगी। इसी के साथ नंबर टू पर आते हैं विकी कौशल। देखिए, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विकी कौशल की जो इमेज है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ी है और उनका जो एक एक्टिंग करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वो हर रोल में कितने बेहतरीन तरीके से फिट हो जाते हैं इस बात का अंदाज़ा आपको बहुत अच्छे से होगा। जैसे उनकी लास्ट समय पर जो उनकी लास्ट मूवी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, सीन बहादुर, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया था। तो अगर इनको सुपरमैन का रोल मिलता है तो ये काफ़ी अच्छे से उसको निभाएंगे। नंबर थर्ड पे आते हैं रामचरण। जी हाँ, रामचरण को आप जानते होंगे, रामचरण इस पे काफ़ी सूट करेंगे। जी हाँ, रामचरण इसमें मैंने इसलिए कहा कि सूट करेंगे, आपने उनका ट्रिपल आर में उनका सीन देखा होगा, इतनी बेहतरीन उनकी एक्टिंग है। अगर उनको ये रोल मिलता है तो ये साउथ के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी और इन्हें साउथ
से काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रामचरण ही फिट बैठेंगे एक तरीके से, इनकी एक्टिंग बिंदास है। तो इसी के साथ नंबर 4 पे आते हैं सूर्या द बॉस। सूर्या द बॉस का मैंने इसलिए नाम लिया कि इनकी जो फेस के इम्प्रेशन है और इनकी आंखें हैं वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब वो बिना बोले ही काफी कुछ इशारा कर दे रहे हैं। मीन्स इनका जो IQ लेवल है, इनका जो देखने का तरीका है, ये लोगों को काफी अच्छा लगता है। अगर इन्हें भी सुपरमैन का ये यानी कि शक्तिमान का रोल मिलता है तो ये काफी अच्छे से प्ले करेंगे। नंबर 5 पे आते हैं पृथ्वीराज। जी हाँ, पृथ्वीराज भी इसमें काफी फिट बैठेंगे। अगर हम बात करते हैं ऐसे एक्टर की जो कि एकदम जिसका ना तो कोई कंट्रोवर्सी से लेना देना हो, जिससे पूरा मतलब कि लगभग बहुत सारे लोग पेन इंडिया लेवल पे पसंद करते हो, एक्टिंग अच्छी हो, उसका जो आइडियोलॉजी है वो भी लोगों से मिलता हो, तो उसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज फिट बैठते हैं। तो ये 5 एक्टर वैसे फिट बैठते हैं। आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेशन में, आपके अकॉर्डिंग शक्तिमान के रोल के लिए कौन फिट बैठता है ये बताना बिल्कुल ना भूले। और भी इस इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।